अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, वलीमे का दिन था और हम लोग रेडी हो रहे हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को अपना ड्रेस दिखा रही हूँ कि मैं कौन सा ड्रेस पहनने वाली थी। मैंने इसको आयरन किया, सोचा कि जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि जिस दिन कोई फंक्शन या इवेंट वगैरह होता है ना, तो बहुत जो है वो सोच समझ के और जल्दी जल्दी आपको काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये मैक्सी है जो कि मेरी सिस्टर की है और वो ये पहनने वाली है मेरे साथ। ये वाला गोल्डन कलर का ड्रेस है, ये दुपट्टा है, इस पर बहुत खूबसूरत वर्क है और ये इंडियन ड्रेस है जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था। ठीक है, इसके साथ जो है वो चूड़ी पजामा था जो मुझे पसंद नहीं था, तो मैंने ट्राउज़र बनवाया मसूरी में। ओके, फिर मैंने सोचा आज मैं अपने बालों को कर्ल करती हूँ, एक न्यू लुक क्रिएट करती हूँ। उसके लिए चाहिए थे रोल, जो कि आप लोगों को पता है मिलते हैं बालों को रोल करने के लिए। काफ़ी हम लोगों ने बाज़ार में भी चक्कर लगाए, लेकिन इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। सो मैंने सोचा क्यों ना हार्ड पेपर लेके उसके साथ बनाया जा रोल जुगाड़ लगाएँ। ठीक है, क्या पता ये वर्क करें, क्योंकि काफ़ी हमने इस तरह की वीडियोज़ भी देखे हैं जिसमें लोग इस तरह पेपर को यूज़ करके बालों को कर्ल कर रहे होते हैं। लेकिन एट द एंड क्या हुआ वो भी आप लोगों के साथ बताऊंगी कि इतनी आप लोगों को बताऊंगी कि इतनी मेहनत के बाद, यानी कि पहले इन पेपर को रोल बनाने में टाइम लगा, ओके, उसके बाद जो है वो काफ़ी देर स्ट्रेटनर पकड़ के लगी रही, लेकिन मेरे बाल रोल हो ही नहीं रहे थे, कर्ल हो ही नहीं रहे थे। लेकिन उससे पहले जो है वो मैंने लिवॉन सीरम है ये मैं अपने हेयर पर लगा लिया था। इससे क्या होता है कि आपके बाल डैमेज नहीं होते, तो कोई भी आपके पास जो भी सीरम है वो आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे बालों में शाइन भी आ जाती है और काफ़ी अच्छी शाइन आई थी। इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत मज़ेदार थी। तो इस तरह जो है वो मैंने 3-4 ड्रॉप्स डाले, यानी कि मेरे बालों की लेंथ काफ़ी लंबी है, वॉल्यूम भी माशाल्लाह से अच्छा है। तो इस तरीके से फिर जो है वो मैंने काफ़ी ज़्यादा लगाया था। ओके जी, अब मेकअप की बारे थी, हमने सोचा जल्दी जल्दी रेडी हो जाते हैं क्योंकि 8 बजे का टाइम था। ठीक है, और जल्दी जो है वो पहुँचते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने जल्दी जल्दी तैयारी शुरू की कि ताकि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए और स्ट्रेस के बगैर जो है वो सब कुछ डन हो जाए। तो मैं ये वाली दो स्टिक यूज़ करने वाली हूँ, स्टिक और फाउंडेशन है सॉरी। और यहाँ पे मैंने अपने जितने भी आई शेडो पैलेट्स थे वो निकाल लिए थे। इसमें सबसे पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ ये पीच कलर, क्योंकि इससे मैं बेस बनाऊँगी अपने आईज़ पर। ठीक है, उसके बाद ठीक है, अभी समझ नहीं आ रही थी मैं कौन सा इसके बाद कलर अप्लाई करूं अपने आईज़ पे। इस बेहतर होता है कि आप ना पहले से प्रैक्टिस कर लें, देख लें कि आपने कैसी लुक क्रिएट करने हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं तो बस उसी वक्त लगी हुई थी। अच्छा, फिर मैंने ये लाइट सा ब्राउन कलर लिया, इसको मैंने अपने आईज़ पे लगाया और उसके बाद ये ग्लिटर से जो कलर है ना बहुत खूबसूरत है। मेरे शर्ट के अंदर भी इस तरीके का था, पर्पल सा लाइट पिंक, तो मैंने सोचा ये वाला मैं यूज़ करूँगी अपने आईज़ पे, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छा जी, ये आईब्रो पेंसिल है, ये इतनी जो है वो मुझे पसंद है कि इसको यूज़ करके ना ऐसी आपकी आईब्रोज हो जाती है जैसे आपने बड़ी प्रोफेशनल तरीके से बनाई और आप बड़े एक्सपर्ट हैं आईब्रोज बनाने में। ठीक है, तो इसकी इस तरीके से शेप बनी हुई है, बस मैं इसको हल्का हल्का सा अपने आईब्रोज में फिल करती हूँ और फिर ब्रश की मदद से इसको सेट कर लेती हूँ। और ये लिप पेंसिल है, अब लिप की बारी थी, मेकअप सारा डन हो चुका था, इसके साथ मैंने आउटलाइन की और थोड़ा सा मैंने फिलिंग भी कर ली। और ये खूबसूरत सा मेरा ब्लश है जो पिंकिश सा है, फिर जी लिप्स, फिर ये दो लिपस्टिक कलर थे जब मैंने अप्लाई किए थे, सूट नहीं किए इसके अंदर। फिर मैंने लाइट सा पिंक कलर मर्ज किया था, वो मैट में था, जिसके बाद एक खूबसूरत सी लुक जो है वो क्रिएट हो गई थी। तो यहाँ पे हम रेडी हो चुके हैं, मैंने पहना ये वाला और इसने पहनी है मैक्सी। यस, मैक्सी। और अभी आपको फुल लुक दिखाते हैं क्योंकि बस हम जो है वो जाने वाले हैं, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड कर लो, तो आपको फुल लुक दिखाते हैं। तो ये है हमारी फुल लुक। ओके, तो ये है जी कंप्लीट लुक। ठीक है, इसके साथ मैंने अपने जो कोट शूज़ पम्प्स हैं वो पहने थे, ये ग्रे कलर में है, मुझे अच्छे लगे थे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मैच करके पहने, इस तरीके से कंट्रास्ट करके भी आप जो है वो शूज़ वेयर कर सकते हैं। तो आपने बताना है आपको ये लुक कैसी लगी। तो ये मेरी सिस्टर की है जिसने जी मैक्सी पहनी थी, ये ओलिव सा कलर है बहुत खूबसूरत सा। तो आपने बताना है आपको ये लुक भी कैसी लगी, और बहुत लेट हो रहे थे और यहाँ पर मैंने अम्मी की भी लाइट से जो है वो लुक आप लोगों को दिखा दी। ओके, यहाँ पे हम चल पड़े अपनी डेस्टिनेशन की तरफ और
अच्छा जी, जल्दी से आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पे मिलने वाली हैं। और आप लोग बताइएगा आपकी तरफ मौसम कैसा है। नवंबर आ चुका है लेकिन अभी तक जो है वो सर्दी का कुछ अता पता नहीं है, पता नहीं सर्दी कहाँ रह गई है। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो को कंप्लीट देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, इससे नेक्स्ट जो है वो मज़ेदार सी वीडियोस आने वाली हैं। सो यहाँ भी हम पहुँच चुके हैं जी नवाब मार्केट हॉल में। तो ये देखिए जी कितने खूबसूरत लोग, तो हम लोग जो है वो जल्दी पहुँच गए थे, अभी इतने गेस्ट नहीं आए हुए थे, ठीक है। तो आप यहाँ की जो डेकोरेशन वगैरह चेक करें, इतनी खूबसूरत थी माशाल्लाह। और नेक्स्ट जो है वो आपको मैं दिखाऊंगी कि मेन्यू में क्या क्या था, खाने में क्या क्या था, वो भी आप लोगों ने देखना है, ठीक है। और इससे आगे भी बहुत सारे हमारे जो इवेंट्स आने वाले हैं वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी। होप सो आप ये सारे इवेंट्स हैं वो हमारे साथ इंजॉय करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो चुकी है जी इंट्री ब्राइड एंड ग्रूम की। माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत कपल था, ठीक है, अल्लाह ताला इनको खुश रखे और इसी तरीके से आबाद रखे। अच्छा जी, ब्राइड का ड्रेस बहुत खूबसूरत था, ये इनकी मैक्सी थी जो इन्होंने आई थिंक सो खुद स्टिच करवाई थी, ठीक है, मुझे बहुत खूबसूरत लगी थी। इसका कलर, मेकअप बहुत अच्छा था, हेयर स्टाइल यानी कि परफेक्ट था बिल्कुल, ठीक है। मैंने जो मेहंदी की मैंने पर्सनली बहुत इंजॉय किया, और इसकी डेकोरेशन चेक करें कितनी कोई खूबसूरत है, ठीक है। तो मैंने सोचा जी सारी वीडियो ना रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप लोगों को भी दिखा सकूँ, आप लोग भी हमारे साथ इंजॉय कर सकें। तो होप्स हो कि आप इस वीडियो को इंजॉय कर रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, माई लुक कैसी लगी, सब कुछ आपने बताना है, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद ये आपको दिखाते हैं मेन्यू में क्या क्या था। यहाँ था आई थिंक मटन बीफ था, मुझे मैंने तो खाया भी नहीं, टेस्ट भी नहीं किया तो मुझे पता भी नहीं है। और यहाँ पर जी रोस्ट चिकन था, ठीक है, बहुत मज़ेदार था। अच्छे सारी लेग पीस ही थी ये वाली, बहुत टेस्टी थी, तो हमने दो ही ली थी क्योंकि हमें पता है हम कितना खा सकते हैं। और डिज़र्ट में क्या था जी, फ्रूट कस्टर्ड जिसमें हर तरह का उन्होंने फ्रूट डाला हुआ था, बहुत मज़ेदार था लेकिन ज़्यादा खाया नहीं गया, मैं तो वैसे भी बहुत कम खाती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमारे साथ हुआ क्या था कि मैंने अपनी बहन को बोला कि मैं तो सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, ठीक है, व्लॉग बनाऊँगी, तो मेरे हिस्से का भी ना डाल लेना। अब उसने क्या किया कि उसने भी प्लेट उठा ली, और उससे जो छोटी है उसने भी प्लेट उठा ली कि चलो मैं ले आती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमारे पास डबल हो गया था, और फिर आपको पता है कि ज़्यादा खाना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है वो हमने कम ही डाला था क्योंकि हमें पता है हम कितना खाते हैं, और उस हिसाब से ऐसा नहीं है कि प्लेटें भर भर के हम डाल लें। इतना ज़्यादा खाना देख के, अपने पेट को देख के खाना डालना होता है, ये नहीं कि खाने को देख के बस अपनी प्लेटें आप भर लें कि इतना सारा खाना है तो आप प्लेटें भरे जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम फ्रूट कस्टर्ड ऐड कर रहे थे, और चाट जो है वो बहुत मज़ेदार था, लेकिन चने का चाट बहुत मज़ेदार था, साथ रशियन सैलड था, लेकिन मैं खा नहीं सकती क्योंकि मुझे जो है वो विटामिन सी यानी कि जितने भी सिट्रस फ्रूट, इमली, इस तरह की चीज़ों से एलर्जी है, तो मैं ऐसी चीज़ें अवॉइड करती हूँ। लेकिन एक छोटी सी चम्मच से मैंने टेस्ट कर लिया था क्योंकि रहा नहीं जाना था, ठीक है। तो फिर थोड़ा सा जो है वो मैंने रशियन सैलड ही खाया था, मैंने कहा चलो कुछ तो खाना है, रशियन सैलड खाया, थोड़ा सा मैंने कीमे के साथ रोटी खाई, और उसके बाद मैंने एक चिकन लेग पीस खाया, इससे ज़्यादा मुझसे खाया नहीं गया, ठीक है। और उसके बाद चावल को तो मैंने देखा ही नहीं क्योंकि अगर चावल खा लेती तो और तो कुछ मुझसे खाया ही नहीं जाता, ठीक है। तो इतना ही मैंने खाया, मैंने कहा चलें जी काफ़ी है, बस इनफ है, खा लेते हैं। और यहाँ देखें, ये देखें जी लेग पीस, और ये इतना सा खाना था जो कि हमने डाला था। मैंने जैसे आपको बताया ना, हमारे पास डबल हो गया था क्योंकि मैंने बोला था कि मेरे नहीं अपना लेके आऊँगी तो मेरे हिस्से का ले आना, तो वो दोनों ही ले आई थी, इसलिए अपने अपने हिस्से का डालना चाहिए ताकि खाना भी ना वेस्ट हो, अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही खाना डालना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे रेशन सैलेड खा रही हूँ, तो मिलते हैं जी किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इसी तरह दुआ में याद रखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।